शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 95 लाख से निर्मित निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर वैली ब्रिज का किया लोकार्पण। 3,92,00,000 से निर्माणाधीन कुड़ी मोहली संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने पछात क्षेत्र के लछोगढ़ी में आपदाग्रस्त मकानों और उच्च विद्यालय का किया निरीक्षण। प्रभावित परिवारों से मिलकर मकान के पुनः निर्माण कार्य का लिया जायजा। लाहौल स्पीति में पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध, उपायुक्त केलंग ने प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। देहरा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनखंडी और कल्लर में स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करते हुए विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा, देहरा में चल रहे 300 करोड़ के विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र को बनाएंगे विकसित। कंसा चौक में 2 दिवसीय रेडक्रॉस मेला संपन्न, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने की अध्यक्षता, दिव्यांग जनों को व्हील चेयर व श्रवण यंत्र भी किए गए वितरित। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भागीदारी निभाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। माय भारत पोर्टल के तहत होगा पंजीकरण, 4 चरणों में होंगी चुनौतियां, चुने प्रतिभागी जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री से करेंगे सीधे संवाद। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए नाहन में कृषि विज्ञान केंद्र, धौलाकुआं में होगी फसलों की स्क्रीनिंग, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। उपायुक्त सिरमौर ने माता बाला सुंदरी गौशाला में ऑनलाइन स्कैनर सुविधा की आरंभ, पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। गुरु नानक सेवा सोसाइटी ऊना ने SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए किया सम्मानित। नेरचौक अस्पताल में जल्द स्थापित होगी MRI मशीन, मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के वरिष्ठ नेताओं के साथ विकासात्मक मुद्दों पर की चर्चा।